गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नया टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि रेस्ट और मोशन। तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट और मोशन हम लोग जानते हैं, चाहे वो रेस्ट हो चाहे मोशन हो, दोनों ही रिलेटिव होते हैं। रेस्ट और मोशन इनफैक्ट वास्तव में कैसे हैं, रिलेटिव है। ये कैसे जानते हैं हम रिलेटिव है, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। सपोज करिए ग्राउंड पे कोई ट्री लगा है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन वही सेम ट्री स्टेट ऑफ मोशन में होगा, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, क्लियर है। फिर से समझ लो, ये कोई पेड़ है वो ग्राउंड पे लगा है, तो वो आपका अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जब हम उसी पेड़ को सन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो उसका स्टेट ऑफ मोशन है। ठीक है ना। इसी तरह और आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई एक ट्रेन है, उस ट्रेन में एक पैसेंजर, ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर अपने दूसरे पैसेंजर को रेस्ट में देखता है, लेकिन बाहर की सारी चीजें जैसे पेड़ पौधे घर मकान ये सारे चीज उसको किसमें दिखते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, कुल मिला के हम जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये कह सकते हैं मोशन इज रिलेटिव। मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर्स को एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग स्टेट प्राप्त होता है। तो अगर हमें किसी भी पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का मोशन डिस्क्राइब करना है तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम उस बॉडी का मोशन किसके रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी बॉडी का अगर हमें मोशन डिस्क्राइब करना है तो हमें यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि हम उसका मोशन किसके रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उसी को बताने के लिए यहां पर यह टर्म आया जिसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग इस तरह से बताते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करना है किसी पार्टिकल के, तो इफ वी इमेजिन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू ए रिजिड बॉडी एंड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस रिलेटिव टू इट, सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ वी इमेजिन, अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करें और वहां से स्पेस के किसी पॉइंट पर किसी भी पार्टिकल को की पोजीशन को डिस्क्राइब करें तो हम उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी डेफिनेशन को यहां पर वैसे मैं लिखे दे रहा हूं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी इमेजिन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विद ए रिजिड बॉडी, एंड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस रिलेटिव टू इट सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम is known as frame of reference। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग दो शब्द और बढ़ा सकते हैं। यहां पे लिखा है जैसे हमने पोजीशन, तो यहां कह सकते हैं पोजीशन साइज एंड मोशन। यहां पर हम किसको किसको डिस्क्राइब कर सकते हैं पार्टिकल की पोजीशन को, साइज को और मोशन को। तो हमने यहां बहुत सिंपल शब्दों में बताया है बच्चों आपको
अगर हम इफ वी इमेजिन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू ए रिजिड बॉडी, है ना, अटैच टू ए रिजिड बॉडी एंड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस रिलेटिव टू इट, सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना बच्चों, इसमें अब हम जैसी आपने डेफिनेशन बताई हम उसी के हिसाब से अगर काम करें तो देखो इफ वी इमेजिन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेंगे टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, वी हैव चूज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम अब पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम चूज कर रहे हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसको हमने इस तरह से नाम दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, और ये स्पेस में कोई एक पॉइंट है पी जिसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ पॉइंट पी वी हैव ड्रॉन ए पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट टू ओरिजिन। तो अगर हमें इसको डिस्क्राइब करना है तो हम इससे यहां पर एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे और वो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है ना, तो अब अगर हम इसमें इस पार्टिकल की इस ओरिजिन से किसी भी क्षण पोजीशन बताना चाहें किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो उसका पोजीशन होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ओपी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड पी। अब ये पार्टिकल किसमें है, मोशन में, तो हम उसकी क्या बताएंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका क्या भी बताना है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो बच्चों इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, क्या होगा इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के साथ, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी के, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। एंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए और इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर आई प्लस डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे और प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरह से इससे क्या डिस्क्राइब हो जाता है, वेलोसिटी, और इससे क्या डिस्क्राइब होता है, एक्सीलरेशन और पोजीशन। ये तो इस तरह से ये पॉइंट पी जो है वो पूर्ता डिस्क्राइब हो जाता है। ठीक है ना, तो अब हम यहां पर देखें तो देखने वाली बात ये है कि अगर हमने पूरे पॉइंट पी को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है, पूर्ता डिस्क्राइब किया है, तो हमें यहां तीन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स के अलावा एक टैन कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना, तो टैन कोऑर्डिनेट क्या है, टी, तो यहां पर कुल कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड और टी। ठीक है ना, तो टू कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल वी हैव रिक्वायर्ड फोर कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन से, एक्स वाई जेड और टी। सो दिस फोर डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसलिए हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है बच्चों, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहलाता है, भजा आप जानते हैं। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो तरह के होते हैं,
आर ऑफ टू टाइप्स। तो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको इनर्शियल डिफाइन कर रहा हूं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें यह बताना है, एक होता है इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको बोल रहा हूं, आप सुनिएगा और समझिएगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होते हैं जिनमें न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है वो होल्ड करते हैं। दोस फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज होल्ड कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे फ्रेम्स जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ होल्ड करते हैं उनको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। इसमें एक चीज मैं और जोड़ दे रहा हूं, A इज इक्वल टू जीरो या हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वो फ्रेम इनर्शियल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज नहीं है तो फिर वो भी उसका भी एक्सीलरेशन जीरो होगा और वो भी फ्रेम इनर्शियल ही होगा। तो इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन समझ गए। आप क्या एग्जाम में आता है वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम में आता है प्रूव करिए वो सभी फ्रेम्स जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और किस फ्रेम के साथ कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम के साथ, तो वो फ्रेम भी इनर्शियल ही होंगे। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको दो मिनट में बता दे रहा हूं। सपोज करिए एक आपके पास ये फ्रेम है, ये फ्रेम है एस और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और एक फ्रेम है ये एस डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। सॉल्व करने को आ जाएगा तो ऐसे सॉल्व करके बताएंगे, ओ ओ डैश और ये कोई पॉइंट है बी, यहां से पोजीशन वेक्टर है आर और ये पोजीशन वेक्टर है आर डैश और ये आपके वेक्टर्स हैं। ये हमने अपनी सुविधा से ये मान लिया है कि जब t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू जीरो, ये जब टाइम t जीरो है तो इन दोनों फ्रेम्स के जो ओरिजिन है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ समय बाद ये कुछ समय बाद और कुछ समय होगा t, हम कहेंगे t समय बाद ये जो फ्रेम एस डैश है उसने इस फ्रेम के साथ डिस्टेंस तय की कितनी, ओ ओ डैश। तो हम लोग अपने इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ ओ डैश और प्लस आर डैश, ये लिख दिया जाएगा। तो यहां से आर वेक्टर इज इक्वल टू बी टी प्लस आर डैश, ये आ गया। तो आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस बी टी, ठीक, ये हमने यहां से सॉल्व कर लिया, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब यहां पर बी जो है वो कॉन्स्टेंट है तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस बी, और हम कह दें एज बी इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि बी क्या है कॉन्स्टेंट। तो यहां पर फिर से डिफरेंशिएट करें तो डी आर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये सॉल्व होने के बाद आपको क्या देगा, ए डैश इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब हुआ दोनों का जो एक्सीलरेशन है वो सेम है, और ये फ्रेम इनर्शियल था और ये फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये फ्रेम वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तभी तो ये बी टी हुआ। तो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा तो ये फ्रेम इनर्शियल है, तो इसका एक्सीलरेशन अगर जीरो है तो ए डैश बी जीरो हो गया। तो वो सभी फ्रेम, ऐसे सभी फ्रेम जो इस फ्रेम के साथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे वो फ्रेम भी इनर्शियल ही होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।